ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खाकी की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के कटघरे में। सेवा सुरक्षा और सहयोग का दम भरने वाली हरियाणा पुलिस पर एक बार फिर से रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। मामला गुरुग्राम के फर्जी आर्म लाइसेंस का है। देखिए खास रिपोर्ट। जिस खाकी के खौफ से दुश्मन छिपे फिरते थे और समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, आज उसी खाकी को चंद रिश्वतखोर अधिकारी बदरंग कर रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब किसी निर्दोष को नोटों के लालच में चंद भ्रष्ट पुलिसकर्मी ना बाहर चैन से जीने देते हैं और ना ही गैंगस्टर जेल में सुकून से सोने देते हैं। इससे पहले कि हरियाणा पुलिस के कुछ अधिकारियों की रिश्वत गेम प्लान का खुलासा आपके सामने करें, उससे पहले जरा इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनिए। देख लेना आप, जो देख लेना 24 का दे, जितने आपने देने हो सही लगे, आपने हमारी मदद करनी है बस। आप अपने यो आपने अपनी बेटी माननी है तो काम आपने करना है। पिताजी नहीं, अब योजना ले रहा नहीं, अब इतनी तो हमको ये वो थोड़ी करने चला हमने दे दी। बहुत हो गया भाई साहब, अब घने दिन हो गए, अब तो अपने बच्चों में आवे, अरे वो बिगड़ेगा भी, अरे हमारी भी भाई साहब आप उसकी तो मदद करो, हमारी गाड़ी की तो गाड़ी की तो मदद करो। मनीष आ जाएगा तो दरखास्त दे देंगे। चलान में भी तो लिखवा रखी है मोहन ने। क्या मोहन ने आपने हमारी गाड़ी ओडी लिखी? चलान में लिखी हुई है गाड़ी? चलान में ओडी नहीं लिखी, लिखी हुई है भाई साहब, मैंने खुद पढ़ा है। इसने चलान पढ़ा है सारा। क्या लिख रखा है? आपने ओडी गाड़ी खरीदी है ये लिखा? नहीं खरीदी नहीं है, आपने उसमें लिख रखा मनीष अपनी ओडी गाड़ी में, वो मोहन ने लिखवा रखा कि पैसे रखता था। जो ये क्राइम हुआ है उसके बाद खरीदी है तुमने? नहीं 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 सर, क्राइम से पहले ही खरीदी है गाड़ी। पहले खरीदी अक्टूबर की खरीदी हुई है। एक बार भी ना गए यूपी में? उस गाड़ी में तो जाता ही नहीं था ये कहीं पे भी। एक मुकदमा और दर्ज कर दूं फिर उसमें रिकवर कर लूंगा। कैसे मिलेगी सर गाड़ी का, कैसे करूं? तो गाड़ी तो मिल जाएगी, गाड़ी तुम्हारे नाम है कि वो क्या करेगा? अच्छा आपने इसका लाइसेंस तो वेरीफाई करवाया? कर लिया हो जेन्युइन है। हथियार चढ़े हुए हैं 16 हथियार में से इसके जो है ना 6 या 7 हथियार बिल्कुल जेन्युइन है और बाकी के हथियार सारे फेक। 7 बता देना, 1-2 जो भी करना है हम बता देंगे, उसका फारिग कर दो। वो हमारा तो चलता रहता है, ये भी बेचारे बच जाते। और वो खत्ती सुमित उससे तो बात कर लो, वो तो पहले मेरे टेबल पे 5 लाख रख दो फिर कुछ भी आग लगाए जाओ। वो ले भी ले, सुमित कुमार का तो ऐसा काम है, वो तो पहले 5 लाख रख दो फिर कुछ भी आग लगाए जाओ। सुमित सबसे गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है। ये तो पता ना कहाँ गुड़गांव में बिठा दिया नाशकरण। वो था यहाँ विवेक शर्मा। हाँ वो बहुत बढ़िया था। विवेक शर्मा जो था वो था डकैत हमारे इस जिले का और ये उसके ऊपर का पार्ट। करीब 2 घंटे से ऊपर की अलग अलग दिन और समय की ऑडियो रिकॉर्डिंग शिकायतकर्ता के पास है, जिसे सुनकर पुलिस से आम आदमी का बचा कुचा भरोसा भी उठ जाता है। दरअसल ये वो पुलिस है जो समाज के दबे कुचले और न्याय की तलाश में भटक रहे लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनी है, लेकिन पैसों के सामने अपने ईमान को गिरवी रखकर ये चंद भ्रष्ट पुलिसकर्मी आरोपी के साथ किसी कुख्यात अपराधी वाला सुलूक करते हैं। इसकी नाकामयाबी इस तरीके से है कि जेल में भी पैसे, पुलिस के लिए भी पैसे, उसके बाद फिर दोबारा मैंने कंप्लेंट दी कमिश्नर साहब को, मेरे घर वालों ने कंप्लेंट दी। पाणम विहार के 2 कॉन्स्टेबल थे विनोद और बॉबी, विनोद ने मुझे खारजे में आके जब मैं तारीख पे आया करता 50 लाख रुपए मांगे मुझसे कि भाई 50 लाख रुपए देते वरना जेल में बिंदर गुजर मंजीत माल तुझे मारेंगे। उसकी भी कंप्लेंट मैंने दी, बॉबी की भी कंप्लेंट मैंने दी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि पुलिस ने झूठा मुझ पर केस लगा के फंसा दिया। इस मामले में पीड़ित मनीष की इन बातों की तस्दीक इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से भी होती है। इसे सुनिए और सोचिए क्या ये वही सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस का सुलूक है? देख लेना आप, जो देख लेना 24 जितने आपने देने हो सही लगे, आपने हमारी मदद करनी है बस। आप अपने यो आपने अपनी बेटी माननी है तो काम आपने करना है। पिताजी नहीं, अब योजना ले रहा नहीं, अब इतनी तो हमको ये वो थोड़ी करने चला हमने दे दी। बहुत हो गया भाई साहब, अब घने दिन हो गए, अब तो अपने बच्चों में आवे, अरे वो बिगड़ेगा भी, अरे हमारी भी भाई साहब आप उसकी तो मदद करो, हमारी गाड़ी की तो गाड़ी की तो मदद करो। मनीष आ जाएगा तो दरखास्त दे देंगे। चलान में भी तो लिखवा रखी है मोहन ने।
मोहन ने आपने हमारी गाड़ी ओडी लिखी चलान में लिखी हुई है गाड़ी चलान में ओडी नहीं लिखी लिखी हुई है भाई साहब मैंने खुद पढ़ा है इसने चलान पढ़ा है सारा क्या लिख रखा है आपने ओडी गाड़ी खरीदी है ये लिखा है नहीं खरीदी नहीं है आपने उसमें लिख रखा है मनीष अपनी ओडी गाड़ी में वो मोहन ने लिखवा रखा कि पैसे रखता था जो ये क्राइम हुआ है उसके बाद खरीदी है तुमने नहीं 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 सर क्राइम से पहले ही खरीदी है गाड़ी पहले खरीदी अक्टूबर की खरीदी हुई है एक बार भी ना यूपी में उस गाड़ी में तो जाता ही नहीं था ये कहीं पे भी एक मुकदमा और दर्ज कर दूं फिर उसमें रिकवर कर लूंगा कैसे मिलेगी सर गाड़ी का कैसे करूं गाड़ी तो मिल जाएगी गाड़ी तुम्हारे नाम है कि वो क्या करेगा अच्छा आपने इसका लाइसेंस तो वेरीफाई करवाया कर लिया हो जेन्युइन है हथियार चढ़े हुए हैं 16,000 में से इसके जो है ना 6 या 7,000 बिल्कुल जेन्युइन है और बाकी के हथियार सारे फेक 7 बता देना 1-2 जो भी करना है हम बता देंगे उसका फारिग कर दो कर तो चल रहा है वो हमारा तो चलता रहता है ये भी बेचारे बच जाते और वो खत्ती सुमी तो उससे तो बात कर ले वो तो पहले मेरे टेबल पे 5 लाख रख दो फिर कुछ भी आग लगाए जाओ वो ले भी ले सुमित कुमार का तो ऐसा काम है वो तो पहले 5 लाख रख दो फिर कुछ भी आग लगाए जाओ सुमित सबसे गंदा आदमी है बहुत गंदा आदमी ये तो पता ना कहाँ गुड़गांव में बिठा दिया नाशकरण वो था यहाँ विवेक शर्मा हाँ वो बहुत बढ़िया था विवेक शर्मा जो था वो था डकैत हाँ। इस जिले का और ये उसके ऊपर का पार है।